हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोवर्ड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइक की बैटरी के ऊपर। जैसा कि आप वीडियो में देखते हैं बैटरी रिपेयर हो जाती है और यूट्यूब वीडियो में दिखाते भी हैं, तो आज हम वही चेक करेंगे क्या बाइक की बैटरी रिपेयर होती है या ये सब वीडियो फेक होती हैं। या इस चीज़ को हम चेक करने के लिए बैटरी ली है हमने, एक छोटी बैटरी ली है एक बड़ी है। ये बैटरी ठीक है, इसमें अभी मैं आपको चेक कराऊँगा, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ऐसा बल्ब लेके, ये हेडलाइट की ट्यूब है और इसे चेक करेंगे। तो देखते हैं बैटरी में कितना करंट है और कौन सी बैटरी ख़राब है, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए बैटरी बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं आपको ट्यूब हेडलाइट ट्यूब जला के दिखाता हूँ। ये देखिए, और इस बैटरी को चेक करते हैं, ये रहा इसका प्लस और ये इधर लेफ्ट में इसका माइनस है। ये देखिए ये बैटरी बिल्कुल लेड है। चलिए अब इसे चेक करते हैं खोल के और फिर इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या ये रिपेयर होकर चलेगी या ये सब आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली वीडियो होती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे आप बैटरी को यहाँ से ओपन करनी कर लीजिए, क्योंकि ये ड्राई होती है बैटरी लेकिन इनके अंदर लिक्विड भी ज़रूर होता है। तो देखेंगे इसके अंदर लिक्विड कितना है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा केमिकल वाटर डाल के फिर इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए मैं इसे खोल के आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेकिंग पाउडर जिसे मीठा सोडा कहते हैं खाने वाला, वो डाल लेंगे और फिर उसके ऊपर से इसमें केमिकल वाटर डालेंगे ताकि अंदर जाके जो प्लेट में इसकी कार्बन आता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, जैसे कि ये बताते भी हैं। तो इसमें कार्बन डाली, इसके लिए आप इसमें बेकिंग पाउडर मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, जैसे मैं देख रहा हूँ। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसमें झाग भी हो रहा है। तो मैं पहले इसमें बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर इसमें केमिकल वाटर डालूँगा ताकि अच्छे से नीचे जाके इसमें बैठ जाए। तो थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं पहले शुरू में, फिर थोड़ा बाद में डाल लेंगे। तो इन सभी में थोड़ा थोड़ा सा डाल लीजिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह इसका आप सीरीज में थोड़ा सा केमिकल वाटर ले लीजिए और इसे थोड़ा ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल लीजिए ताकि ये अंदर जो इसकी प्लेट्स होती हैं उनमें चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें ऐसे करके, क्योंकि इसके होल साइड में है तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डालिए ताकि पलट के बाहर ना आए। तो ध्यान से थोड़ा थोड़ा डालिए और ये पाउडर भी अंदर चला जाए और प्लेट में जाके बैठ जाए, जैसे कि बताते हैं। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे डालने की। फुल करने के बाद थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके बाद इसे चार्जिंग पे लगा देंगे, फिर देखेंगे हम क्या होता है। तो मेरा पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का, शूट करने का, कि आप तक ये सही जानकारी पहुँचे कि ये बैटरी रिपेयर होती हैं या नहीं। कोई बताता है 2 साल पुरानी ले लीजिए, कोई कहता है 1.5 साल पुरानी ले लीजिए। मैंने 1.5-2 साल के बीच वाली 2020 मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट की बैटरी ली है, जैसे ये पता चल जाएगा कि ये वाकई में रिपेयर होकर चलती हैं या नहीं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कार्बन आज जैसे कि प्लेट में आ जाता है और वो चार्ज नहीं हो पाती ठीक से, तो उसके लिए चेक करेंगे कि वाकई में ये ठीक हो पाती है, रिपेयर होकर चलती है या ये सब बस ऐसे ही बता देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा दोबारा आप बेकिंग पाउडर ले लीजिए क्योंकि इसमें वाटर आ गया है केमिकल जो इसके अंदर प्लेट तक पहुंच गई है। तो थोड़ा थोड़ा सा और ले लीजिए, इससे पता चल जाएगा।
तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा और इसमें बेकिंग पाउडर, जिसे मीठा सोडा भी कह देते हैं खाने वाला, वो इसमें और डाल दिया है। तो थोड़ी थोड़ी सी और हम इसे कोशिश करेंगे ये अंदर पहुँच जाए। तो चलिए मैं आपको इसको दोबारा से इसके अंदर वो केमिकल भरने के बाद फिर आपको चार्जिंग पे दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों अब इसे बैटरी को चार्जर पे फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस पे कार्बन आ रहा है उसे साफ़ कर लेंगे। तो उससे पहले इसे कार्बन को साफ करके अब इसे बोल्ट पे ऐसे करके टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद फिर इसे चार्जिंग को ऑन करेंगे। तो इसे टाइट कर लेते हैं, फिर दूसरा ही बोल्ट ऐसे ही करके अब इसे ऐसे टाइट कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने ऑन कर दिया है और इसे ये 6 वोल्ट, ये 12 पे और ये 18 24। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी हाई वोल्टेज पे कोशिश करेंगे बैटरी को उठाने की। 10 एम्पियर, 24, 18 एंड 12। ये देखिए 2 से 4 के बीच एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते हैं। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें 4 एम्पियर ये चार्जिंग ले रहा है और मैंने इसे हाई फास्ट चार्जिंग पे 12 वोल्ट पे देख सकते हैं, 12 वोल्ट पे से स्टार्ट की। वो मैंने वोल्टेज इसलिए बढ़ाए थे ताकि इसे एक जो बहुत दिन से रखी थी जैसे, तो हल्का सा झटका देके ये एकदम से उठ गई। अब इसे 12 वोल्ट पे मैंने चार्जिंग पे लगा दी। चलिए थोड़ी देर बाद इसे, क्योंकि ये नॉर्मल बाइक के ही चार्जर है तो इसमें बैटरी गर्म होने का उसका कोई ख़तरा नहीं है। जब इसे थोड़ी देर हम इसे चार्जिंग पे लगा रहने देंगे और जब चार्जिंग पे से निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी की बैटरी काम करती है या ये फेक है सब कुछ। तो चलिए इसे चार्जिंग पे छोड़ देते हैं अब थोड़ी देर के लिए। देखिए दोस्तों अब बैटरी ने चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं कैसे पानी जो इसका केमिकल है, पानी जो हमने डाला था वो कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें बुलबुले जो आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी चार्ज हो रही है और एम्पियर भी आप देख सकते हैं 4 एम्पियर पे काम कर रही है। तो बिल्कुल मैंने मल्टीमीटर से भी चेक कर लिया, 12.98 पूरे वोल्टेज भी ठीक लग रही है। तो बैटरी जो है बिल्कुल ठीक चार्ज हो रही है। चलिए अब इस बैटरी को थोड़ी देर चार्ज होने के बाद फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि चार्ज हुई है या नहीं, और फिर हम इसे बाइक में भी चेक करेंगे सेल्फ मार के कि ये बाइक का सेल्फ भी उठा पा रही है नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ तो इस बैटरी में करंट आया है या नहीं। तो अब आप ये देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है और मैंने इसे DC 20 पे सेट कर दिया है। तो अब इसे चेक करते हैं, ये देखिए 12.17 उसमें वोल्ट आ गया इसमें करंट। तो अब इसका वैसे भी करंट चेक कर लेते हैं कितना है इसमें। तो अभी देखते हैं इसे इसमें लगाने के, देखिए इसमें करंट भी, या आप देख सकते हैं बैटरी बिल्कुल डेड थी और इसमें अब ये हेडलाइट की ट्यूब इसकी फुल रोशनी दे रही है। तो अभी हम जो है ये तो हमने चेक कर लिया है कि इसके अंदर करंट आ चुका है। तो अब इसको हम एक बार बाइक में भी लगा के देखेंगे ये सेल्फ भी ले रही है या सिर्फ इतना ही हुआ है इसमें करंट ही आ रहा है। तो अब इसमें हम बाइक में लगा के इसका सेल्फ भी चेक करेंगे, ये सेल्फ ले पा रही है या सिर्फ ये इतना ही हुआ है थोड़ी बहुत देर चलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सेल्फ भी ले रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैटरी इसमें
फिक्स कर दी है यही। और अब इसमें ये पैशन प्रो है 100 cc, चाबी लगा के चेक करते हैं। ये देखिए करंट भी आ गया इसमें। अब इसे कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, कि स्टार्ट होती है या सेल्फ लेती है नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो देखते हैं, ये नहीं, सेल्फ नहीं ले रही है। सिर्फ इसमें इतना तो करंट आया है कि ये आपको हॉर्न वॉर्न बजा सकती है, लेकिन ये सेल्फ नहीं ले सकती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगभग 2.5 से 3 घंटे चार्जिंग पे भी लगाया और डेड बैटरी थी। मैंने आपको इसकी हेडलाइट भी जला के दिखाई, करंट तो आ गया लेकिन इतना करंट आया है, देखिए इसकी MID में और न्यूट्रल लाइट में आ रहा है करंट, और हॉर्न भी हल्का बज रहा है। लेकिन सेल्फ अगर देखें, बस इतना सेल्फ नहीं इसमें चल रहा है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन मैंने आपको दिखाया है, और इतना ही ये बैटरी काम कर रही है। तो अगर आपको कोई डेड बैटरी आपकी हो और आपको करंट उसमें ना आए, तो इतना तो हो सकता है कि वो आपका हॉर्न वॉर्न चलते हो बजा दे, और सेल्फ नहीं ले रही है। तो आई होप दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल के नीचे जो बेल आइकन का बटन आएगा उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।